समुंदर के पास एक और आई। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज करवाने वाला हूँ मैं आपको सोमनाथ टेंपल के दर्शन। इस वक्त अपन आ चुके हैं अभी सोमनाथ टेंपल के एकदम सामने। ये देखो मेरे सामने सोमनाथ टेंपल आपको दिख रहा होगा। सिर्फ लॉकर रूम है, वहाँ पे आप अपना फ़ोन या कैमरा कुछ भी जमा करवा सकते हो। जो ये वाले लॉकर रूम है यहाँ पे आप अपने बैग्स वगैरह हैवी बैग्स वगैरह जमा करवा सकते हो। तो सामने टेंपल है, दर्शन हो गए। ये प्रसाद है वहाँ का जो मैंने अंदर से लिया। तो अभी थोड़ी देर में थोड़ा आगे क्लोज और जाता हूँ एंड दिखाता हूँ आपको। दर्शन मेरे इतने बढ़िया रहे मैं बता नहीं सकता। जय सोमनाथ बाबा। ये भाई अपना फाइनल शॉट सोमनाथ टेंपल का। तो यहाँ से अपन निकल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। अभी मुझे और भी जगह एक्सप्लोर करनी है। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं सोमनाथ टेंपल से। देखिए पीछे मेरे सोमनाथ टेंपल है पूरा। सो गाइस अपन आ चुके हैं अब मंदिर के पीछे वाली साइड। इसे बोलते हैं ओशन व्यू पॉइंट। वहाँ पर देख लिया आपको पूरा समंदर दिख रहा होगा, तो इसको बोलते हैं ओशन व्यू पॉइंट। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा सोमनाथ बीच के ऊपर। फिलहाल मैं आया हूँ यहाँ पे अपना थोड़ा बैक साइड से भी देखने के लिए। ऊपर से काफ़ी, जब मैं मंदिर के अंदर था तो काफ़ी सुंदर नज़ारा था। अब मैं एक बार यहाँ पे भी देखना चाहता हूँ कि कैसा नज़ारा है कैसा नहीं। सो भाई अब अपन जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अभी अपन जा रहे हैं सोमनाथ बीच के ऊपर। वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे दिखने वाले हैं, तो बने रहना भाई। काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा अब सोमनाथ बीच पे। आ चुके हैं अभी सोमनाथ बीच के ऊपर। ये देखो ऐसा है सोमनाथ बीच। तो यहाँ पर आके आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। आगे ये थी, आप यहाँ पर अगर हॉर्स राइडिंग करना चाहो तो हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। अभी अपन थोड़ा आगे जाके आपको और दिखाते हैं कि हम एकदम बीच के पास। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आके कैमल राइडिंग भी कर सकते हो, जो आपका मन हो, ठीक है। वो देखो तीन आंटियाँ बैठी हुई हैं। तो आप चाहो तो कैमल राइड करो, हॉर्स राइड करो इस बीच के ऊपर। जो आपका मन हो वो आप कर सकते हो यहाँ पे आके। और ये देखो यहाँ समुंदर के पास काफ़ी लोग नज़ारे लेते हुए। देखो कितना मस्त नज़ारा होकर रखा है यहाँ पे बीच के ऊपर। सारे लोग ऐसे नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप भी आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, इतना अच्छा बीच। वो देखो यार ये आई सबसे बड़ी लहर, ये है ना जिंदगी का नज़ारे। अरे वाह, एक और आई। अपन भी काफ़ी मस्ती की है। ये देखो पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं मेरे भाई बीच पे। तो अभी जहाँ से जाने, ओ देखो और ये डूब रहा है क्या? नहीं डूब नहीं रहा है, मस्ती कर रहा है। तो बीच पे आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आके फन कर सकते हो। ये देखो ऊपर की लहरें, नीचे आपको एकदम बढ़िया लगेगा यार। ये देखो यार क्या बढ़िया था, बढ़िया नज़ारा था यार। तो अभी अपन बीच से निकल रहे हैं, अपने को और भी जगह जाने का, एक्सप्लोर करने का है आज, क्योंकि रात को मेरी ट्रेन है 9 बजे की। तो निकलते हैं भाई अब बीच से। आप आना भाई सोमनाथ आओ तो सोमनाथ बीच ज़रूर आना भाई। ये बीच आपको मतलब 200 से 300 मीटर की दूरी पे दिख जाएगा भाई टेंपल। वो देखो वहाँ पे सामने दिख रहा है, और ये सामने यहाँ पे बीच है। तो आओ तो ज़रूर आना भाई यहाँ पे। गाइस अपन आ चुके हैं अब सोमनाथ में, श्री राम मंदिर। ये देखिए ये है श्री राम मंदिर सोमनाथ में। इसके अंदर जाएँगे अब हम, अंदर दर्शन करके आएँगे। श्री राम मंदिर सोमनाथ। दर्शन आ चुके हैं त्रिवेणी संगम के पास। यहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है, वो है कपिल, हिरण और सरस्वती। ये तीनों नदियों का यहाँ पे संगम होता है, तो वही देखने के लिए मैं यहाँ, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। और अगर आपको त्रिवेणी संगम देखना है उसके लिए बोट से जाना पड़ेगा। तो वो देखो अपना बोट वो उधर से आएगा, तो उस बोट से अपन जाएंगे भाई त्रिवेणी संगम देखने के लिए। तीन नदियों का संगम एक साथ में,
तो जैसे ही बोट आती है तो अपन जाते हैं और दिखाते हैं आपको। भाई ये आ चुकी है अपनी बोट, इसी बोट में अपन जाएंगे अपना संगम देखने के लिए। तो ये आ चुके हैं अपन बोट में, ये अपने बोट के ड्राइवर। तो यहाँ से जाएंगे, 30 रुपये किराया है, 30 रुपये किराया देके आप जा सकते हो त्रिवेणी संगम देखने के लिए। लास्ट टाइम जब मेरा फ्रेंड आया था तब बोट चालू नहीं था, तो बोट चालू है, तो इस बार मैं जा रहा हूँ, मेरा किस्मत अच्छा है। तो भाई अपने यहाँ पर बैठ के त्रिवेणी संगम के दर्शन हम भी करेंगे और आपको भी करवाएँगे। ये वाला हिरण्या नदी, तीनों नदी का ये संगम होता है यहाँ पे। होने के बाद सामने अरब सागर है, उसमें मिल जाता है, बीच में बांध बना दिया ताकि इसमें मीठा पानी रह सके, इसलिए ये मीठा पानी रहता है तीनों नदी का। और अपने हिंदू शास्त्र में 5 त्रिवेणी संगम बताया, गया जी, गंगा जी, कुरुक्षेत्र, प्रभास और पुष्कर, इसमें से प्रभास है जगह का नाम। यहाँ पे मातृसात, पितृसात, अस्थि विसर्जन, पिंडदान सभी होता है, जैसे गया में होता है। यहाँ से पानी लेना, बस में मार्जिन करना है तो कर सकते, पानी पवित्र माना जाता है वहाँ पे। भाई 2 नदी है और इसको मिला के 3 नदी, तीनों नदियों का संगम होता है तभी इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। हो गया भाई यहाँ पे हमारा दर्शन कंप्लीट, हो चुका है त्रिवेणी संगम का टूर कंप्लीट। अब जा रहे हैं हम 5 पांडव गुफा देखने के लिए, वहीं पे सूर्य देव का मंदिर भी है, तो 5 पांडव गुफा देखने के लिए तैयार हो जाओ और सूर्य देव का मंदिर देखने के लिए भी। तो अभी अपन जा रहे हैं 5 पांडव गुफा देखने के लिए। तो भाई अपन पहुंच चुके हैं 5 पांडव गुफा, ये देखो ऐसा है नज़ारा, सीढ़ियां आ चुकी हैं, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ के आएगा 5 पांडव और सूर्य देव का मंदिर। तो ये है सूर्य देव का मंदिर, ये जो मेरे सामने दिख रहा है आपको, ये पुराना, ये था सूर्य देव का मंदिर। अब हम जा रहे हैं सूर्य कुंड, ठीक है, ये सूर्य कुंड का रास्ता है नीचे। अब सूर्य कुंड, ये है सूर्य कुंड, ठीक है। अब हम जा रहे हैं 5 पांडव गुफा देखने के लिए, चलते हैं 5 पांडव गुफा देखते हैं। अब आ चुके हैं 5 पांडव गुफा, पांडव गुफा दर्शन कंप्लीट। शारदा पीठ है, ठीक है, सोमनाथ, श्री शारदा पीठ सोमनाथ। ये जो आदि शंकराचार्य जी हैं उनकी दादी थी, वो यहाँ पे आके बैठा करती थी, तब से ये है, ये है शारदा माता मंदिर। ये है भाई शंकराचार्य जी की गुफा, शंकराचार्य की गुफा। एक टाइम पे मैक्सिमम निकलना भी यहीं से, एक ही बंदा यहाँ पे आ सकता है। आदि शंकराचार्य शारदा पीठ के दर्शन करने के बाद अपन जा रहे हैं बालका तीर्थ। बालका तीर्थ वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण को तीर लगा था और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो अभी हम जा रहे हैं बालका तीर्थ, तो अभी सीधे मैं आपको सिर्फ बालका तीर्थ जाके दिखाता हूँ वहाँ का पूरा दृश्य। तो भाई अपन आ चुके हैं इस वक्त बालका तीर्थ में, जहाँ पे श्री कृष्ण को तीर लगा था, ये रहा श्री बालका तीर्थ। यहाँ पे देखो कितना बड़ा शिवलिंग बनाया हुआ है, तो ये बालका तीर्थ। अभी अपन अंदर जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अंदर दर्शन करने के लिए। जब से अंकल से मिला हूँ ना, मेरे मुँह से ये मुंबई वाला सेगमेंट बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, बालका तीर्थ के दर्शन करेंगे वहाँ पे। ये है बालका तीर्थ का मेन मंदिर, चलो अब अंदर जाया जाए। आ गया बस बालका तीर्थ, Thank you.
है पूरे भारत में जहाँ पे श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। बाकी आप जितनी भी मूर्ति देखोगे तो वहाँ पे श्री कृष्ण हैं, वो अब खड़े रहते हैं। ये एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। ये वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण को तीर लगा था और उन्होंने अपने प्राण देह त्याग कर दिया था। हो गए दर्शन कंप्लीट। यही जगह है बाणगंगा, है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। वहाँ से ठीक है तीर चला था और यहाँ पे आके लगा था श्री कृष्ण को, और यहाँ पे उन्होंने अपने देह त्याग किया था। अगर भाई ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना भाई, सब कर देना प्लीज़, कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।